Shanti Party leader Dilip Pandey speaking exclusively to NNISN that while Shanti Bhushan, one of the founding members of Aam Aadmi Party, had made some striking observations on the party and the elections, the party was well equipped to rule for the next 5 years, for which the public gave them a massive mandate. यानी शांति जी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, सम्माननीय हमारे पिता तुल्य हैं और उनको अपनी राय रखने मत रखने का पूरा अधिकार है। हमें लगता है कि दिल्ली की जनता ने 54% वोट देकर एक ज़बरदस्त जनादेश दिया है। ये आदेश दिया है कि पिछली बार की सारी कमियां दूर हो चुकी हैं, 5 साल तक आइए दिल्ली की जनता की सेवा कीजिए। सपनों का शहर बनाने का जो वायदा आपने किया है, वो सपनों का शहर बनाने का वक्त आ गया है, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं, वो सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। इनकम टैक्स के सामने जब कोई कंप्लेन या कंसर्न आता है तो वो तो नोटिस भेजेंगे किसी को भी। मैं भी अगर इनकम टैक्स नहीं भरूंगा, आप नहीं भरेंगे, तो आपके पास भी नोटिस आएगा। नोटिस आने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपके अगेंस्ट या आपके लिए ये कंसर्न हमारा है, आपका क्या जवाब है, आपका क्या पक्ष है। हमें अपना पक्ष रखना होता है सिर्फ, इसका कोई ये मतलब नहीं होता कि कोई सही हो गया या कोई गलत हो गया, ऐसा कोई मतलब नहीं होता। 16 तारीख तक की तारीख है, हम उसके अंदर अंदर ही अपना पक्ष इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता देंगे। देखिए, आपने सच्चाई से काम किया होगा, गांधी जी कहते हैं ना, अगर आपने सच बोला है तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम भी वही करते हैं, हमने ईमानदारी से काम किया हुआ है, ट्रांसपेरेंसी से चंदा लिया हुआ है, हमें परेशान होने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। पावर्ड बाय NNIS।